नेक्स्ट आ जाता है एंगल प्राइमरी एंगल क्लोयर ग्लाकोमा। इसमें एक्यूट स्टेज का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें क्लिनिकल टेस्ट पूछेंगे तो वो डायग्नोसिस वही होगा। इसके अलावा उसका उसमें क्या फीचर्स क्या आएंगे, उसमें सिनेरियो में बताएंगे पेन होती है, हेलोस होती है, विजन डिटोरिएशन होती है, फोटोफोबिया, वाटरिंग, रेडनेस हो रही है। इसके अलावा आईओपी रेज, इसमें जो एंगल क्लोयर ग्लॉकोमा में आईओपी 70 बहुत ज़्यादा रेज होता है, 70 mm ऑफ एजी तक, ठीक है। ओपन में इतना ज़्यादा रेज नहीं होता। इसके अलावा विजुअल एक्विटी ख़राब होती है, कंजक्टिवा में कंजेशन हो रही होती है, रेड होता है, प्रीमिया हुआ होता है, कॉर्निया में एडिमा हुआ हुआ है, इंटीरियर चैम्बर शैलो है, प्यूपल स्लगिश रिएक्टिंग प्यूपल है। ये सारी बातें सिनेरियो में पूछी होती हैं। ट्रीटमेंट इसका हम तीन तरह से करते हैं। एक्यूट अटैक को कंट्रोल करते हैं, इसके अलावा फ्यूचर अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं अफेक्टेड आई में और फेलो आई में। एक्यूट अटैक को कंट्रोल करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, सिस्टेमिक थेरेपी होती है और टॉपिकल थेरेपी होती है। सिस्टेमिक में 3 A है और 1 H है। 3 A कौन से हैं, एसिटाजोलामाइड देंगे, इसके अलावा एनर्जेसिक देंगे पेन के रिलीफ के लिए, वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए एंटी एमेटिक्स देंगे। और H से क्या है, हाइपरोस्मेटिक एजेंट्स देंगे जिसमें मैनिटोल आ जाता है और ग्लिसरॉल आ जाता है। एसिटाजोलामाइड, हाइपरोस्मोटिक एजेंट्स, एंटी एनर्जेसिक, एंटी एमेटिक्स। टॉपिकल थेरेपी में पीएसएन एबीसी, एबीसी से वही आ जाते हैं, ए से अल्फा 2 एगोनिस्ट, से बी से बीटा ब्लॉकर्स और सी से कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, और पी एस पाइलोकार्पिन जो कि म्योटिक्स हैं, और इसके उनके अलावा एक और इजाफी है इसमें जो स्टीरॉयड्स हैं। फ्यूचर अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हम दो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, और सर्जिकल ट्रीटमेंट का क्वेश्चन अलहदा से भी आता है, ठीक है। इसमें लेज़र आयरोडोटमी कर सकते हैं, ठीक है, डोटमी या डेक्टमी नहीं है। इसके अलावा ट्रेबिकुलेक्टमी कर सकते हैं। डोटमी में सिर्फ सुराख किया जाता है, लेक्टमी में पूरा कनेक्शन बनाया जाता है। और फेलो आई में प्रिवेंशन के लिए हम प्रोफ्लेक्टिक लेज़र आयरोडोटमी कर सकते हैं या सर्जिकल आयराइडेक्टमी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेकेंडरी ग्लाकोमा। तो इसमें सिनेरियो में पूछा हुआ है कि कौन सा ग्लाकोमा है, फेकोलिटिक ग्लाकोमा होता है क्योंकि उसमें हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट की सिनेरियो बताया हुआ है। हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट में फेकोलिटिक ग्लाकोमा होता है। उसका ट्रीटमेंट है, उसका ट्रीटमेंट हम तीन तरह से करते हैं, दो तरह से करते हैं। एक तो आईओपी को कंट्रोल करते हैं, दूसरा अंडरलाइन कॉज को कंट्रोल करते हैं। आईओपी को कंट्रोल करने के लिए हम वही तीन मेथड चूज़ करते हैं, मेडिकल थेरेपी, लेजर थेरेपी एंड सर्जरी करते हैं। मेडिकल थेरेपी आगे से फर्दर सिस्टेमिक थेरेपी होती है और टॉपिकल थेरेपी होती है। मेडिकल थेरेपी में हम मैनिटोल देते हैं और एसिटाज़ोलामाइड देते हैं। टॉपिकल थेरेपी में हम इसमें बी मैस से कर सकते हैं, ठीक है। बी से बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं, एम से म्योटिक्स आ जाते हैं, ठीक है। ए से तीन है, अल्फ़ा टू एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, एड्रीनर्जिक ड्रग जिसमें एपिनेफ्रीन आ जाती है, और इसमें एक अजाफी है एट्रोपिन 1, बाकी सारे वही हैं। इसके अलावा एस से मैस आ जाता है, स्टीरॉयड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट लेज़र थेरेपी में हम दो करते हैं, लेज़र आयरोडोटमी करते हैं या पैन रेटिनल कोएगुलेशन करते हैं, फोटो कोएगुलेशन करते हैं। सर्जरी में को कैट से याद कर सकते हैं, सी से कन्वेंशनल ट्रेबिकुलेक्टमी करते हैं, ए से आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन शंट प्रोसीजर करते हैं, और टी से ट्रेबिकुलेक्टमी विद एमएमसी करते हैं। अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले इन्फेक्शन, इसमें दो आई हैं, दो सी हैं, दो ए हैं, और बाकी एक एस और वी है, ठीक है। दो आई कौन से, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना है। सी के यहाँ कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन करनी है अगर तो लेंस इंड्यूस्ड ग्लाकोमा है। दूसरा सी के यहाँ कैरोटिड कवर्नस फिस्टूला को रिपेयर करना है, कैरोटिड कवर्नस फिस्टूला को रिपेयर करना है अगर तो एपिसिक्लेरल वीनस प्रेशर रेज होने की वजह से ग्लाकोमा हुआ हुआ है ना, तो उसके लिए हमने कैरोटिड कवर्नस फिस्टूला को रिपेयर करना है। दो ए हैं आर्गन लेज़र, फोटो कैगुलेशन और एंटी वेजिव। ये दोनों टेक्निक्स हम नियोवेस्कुलर ग्लाकोमा में करते हैं। इसके अलावा स्टीरॉयड्स यूज़ नहीं करना है, स्टीरॉयड्स का यूज़ स्टॉप कर देना है, और विट्रेक्टमी करनी है अगर सिलियरी ब्लॉक ग्लाकोमा है। विट्रेक्टमी एफेकिक ग्लाकोमा और सिलियरी ब्लॉक ग्लाकोमा दोनों में करना है। नेक्स्ट सिनेरियो में आता है प्राइमरी इन्फेंटाइल ग्लाकोमा। इसमें प्राइमरी इन्फेंटाइल ग्लाकोमा में बताया होता है कि कॉर्नियल डायमीटर जो होता है ना वो 13 mm होता है। अगर तो नॉर्मली 10 mm होता है, अगर 13 mm एक 1 ईयर के बच्चे में होना तो इसका मतलब है उसको ग्लाकोमा है। इसके डायग्नोसिस आते हैं, इसको हम उसमें हमने क्या करना है, गोनियोस्कोपी करनी है, फंडोस्कोपी करनी है, इसके अलावा कॉर्नियल डायमीटर मेजर करना है और आईओपी चेक करना है। इसका ट्रीटमेंट भी हमने तीन तरह से करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, सर्जिकल करना है और लेज़र ट्रीटमेंट करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट को हम पीसीबी से कर सकते हैं
इसमें मियोटिक्स यूज़ नहीं करने, ठीक है। पीसीबी से कर सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ठीक है। सी से कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं, और बी से बीटा ब्लॉकर्स हैं। सर्जरी में हम इसको जीटीए से कर सकते हैं, जी से गोनियोटॉमी है, टी से ट्रेबिकुलॉटमी है और ट्रेबिकुलेक्टमी है, इसके अलावा ए से दो हैं, जी टी ए, टी से दो हैं ए, आर्टिफिशियल शंट ड्रेनेज शंट। और लेज़र में हमने क्या करना है, लेज़र में डायोड लेज़र साइक्लो एब्लेशन कर देनी है। इसका सर्जिकल प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं, ये व्यू किया है, तो उसको हम कैट फॉल इन जीआईटी से कर सकते हैं। कैट जीआईटी में गिर गई, कैट में सी दो हैं, साइक्लो डायलिसिस कर सकते हैं, साइक्लो क्रायोथेरेपी, ठीक है, साइक्लो डायलिसिस और साइक्लो क्रायोथेरेपी। और ए से क्या है, ए से आर्टिफिशियल शंट्स हो सकते हैं, टी से क्या है, टी से भी दो हैं, ट्रेबिकुलॉटमी और ट्रेबिकुलेक्टमी। एफ से क्या है, एफ़ से है फिल्ट्रेशन सर्जरी, नॉन पेनिट्रेटिंग फिल्ट्रेशन सर्जरी। ए से भी दो ही हैं, एक तो हो गया ना आर्टिफिशियल शंट्स हो गए, दूसरा ए से है एंटी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट्स। एल से क्या है, एल से लेज़र थेरेपी है, जिसमें तीन तरह के लेज़र्स हो सकती हैं, आर्गन लेज़र, ट्रेबिकुलोप्लास्टी और डायोड लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी। इसके अलावा डायोड लेज़र साइक्लो एब्लेशन भी होती है, जो हमने ये कॉन्जेनिटल इन्फेंटाइल ग्लॉकोमा में की थी। दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लॉकोमा। थैंक यू।